ओके तो भाई आज के स्मैकडाउन के ऊपर सोलो सिकोआ ने मैट रिडल को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। साथ ही साथ आज के स्मैकडाउन के ऊपर हमें पॉल हेमन का बहुत खतरनाक स्टेटमेंट देखने को मिला, क्या सच में उसोस के हाथ में फिर से चैंपियनशिप बेल्ट आने वाला है। इसके अलावा और क्या कुछ हो आज के स्मैकडाउन के शो के ऊपर भाई सारा कुछ जानेंगे हिंदी रिव्यू में। तो भाई चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हमें आज का स्मैकडाउन का स्टार्टिंग देखने को मिलता है सैमी ज़ेन और केविन ओवंस के द्वारा, और लास्ट टाइम जब सोलो सिकोआ केविन ओवंस के ऊपर अटैक कर देते उसी बारे में यहाँ पर ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं। तभी वहाँ पर हमें उसो जाते हुए दिखते हैं, साथ ही साथ उनके साथ सोलो सिकोआ भी। इन दोनों के बीच में सबसे पहले एक प्रोमो बार होता है जिसके अंदर फिर से सैमी ज़ेन बोलते हैं कि तुमको जो रोमन रेंस धोखा देने वाला है, तुमको सोलो सिकोआ तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला है। देन आफ्टर यहाँ पर ब्लडलाइन के तीन मेंबर थे, उन लोग दो मेंबर थे, तो ब्लडलाइन के सारे मेंबर आकर अटैक करने की कोशिश करते हैं। मैट रिडल आकर यहाँ पर सैमी ज़ेन और केविन ओवंस को ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद वो मारकर यहाँ पर उसको भगा देते हैं। वैसे इस पूरे शो को ऑलरेडी मैं हिंदी रिव्यू अपने चैनल के ऊपर जाकर कर चुका हूँ, आप लोग सारे लोग जाकर देख भी सकते हैं। मैं आपको बता दूं शो के स्टार्टिंग में ही शो के मेन इवेंट के लिए सोलो सिकोआ वर्सेस मैट रिडल का मैच ऑलरेडी यहाँ पर अनाउंस हो चुका था। नेक्स्ट इसका शो के ऊपर हमें एले नाइट वर्सेस जेवियर बूट के बीच में मैच देखने को मिलता है। बहुत कुछ सेंस नहीं था इस मैच का, एक्चुअली एले नाइट कोई भी मैच रेसलमेनिया के अंदर नहीं मिला था, इसलिए ये मैच बस करवाया जाता है। और अगर हम लोग इस मैच का बात करें तो मैच का क्वालिटी एवरेज था। इस मैच के अंदर पिन करने का सबसे पहले कोशिश यहाँ पर जेवियर बूट करते, पर वहाँ पर पिन वो नहीं कर पाते। उसके बाद इस मैच के अंदर रोल अप के सहारे से इस मैच के अंदर जेवियर बूट को विन मिल जाता है, जेवियर बूट इस मैच के अंदर विन कर जाता है। उसके बाद बैक स्टेज जेवियर बूट जो पीछे जाता है अपना सेलिब्रेशन करने के लिए, वहाँ जाकर इंपीरियम के बंदे से वो भिड़ जाता है। यहाँ पर हमारे जो गुंथर वो जेवियर बूट के सामने आता है, मे बी इनका मैच होने वाला आई थिंक एक या दो वीक बाद आई थिंक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देन नेक्स्ट इसके बाद हमें बैक स्टेज यहाँ पर सैमी ज़ेन देखने को मिलता है, जहाँ सैमी ज़ेन के साथ यहाँ पर मैट रिडल होता है। सैमी ज़ेन यहाँ पर बार बार समझाने का कोशिश करते कि ठीक है भाई तुम मुझे बचाने है, इसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। जो सोलो सिकोआ है एक्चुअली बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा, उससे तुम्हें डरना चाहिए, तुम सोलो सिकोआ के साथ जब मैच करोगे तो बहुत सावधानी से तुम्हें मैच रेसल करना होगा। नेक्स्ट इसके बाद हमें रिंग के अंदर जजमेंट डे के सारे मेंबर आते हुए दिखते हैं, उसके बाद सिंपल उनका वही बात होता है बैड बनी के बारे में, इन लोग बात कर रहे हो। अगर आप लोगों को नहीं पता तो बैड बनी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डेब्यू डेमन प्रीस्ट के साथ ही एक्चुअल में किए थे टैग टीम आई थिंक पार्टनर के साथ। वैसे उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद हमें सैंटो स्कोर वर्सेस डेमन प्रीस्ट का 1v1 हमें मैच देखने को मिलता है, जहां दोनों के टीम वाले मेंबर रिंग साइड के ऊपर खड़े रहते हैं। और रिंग के अंदर यहां पर डेमन प्रीस्ट और सैंटो स्कोर का मैच होता रहता है, रिंग के बाहर ये दोनों अपने में सारे टीम वाले भिड़ते रहते हैं। एट द एंड इस मैच के अंदर डेमन प्रीस्ट का विक्ट्री मिलता, बहुत आसानी से वो हरा देते हैं यहां पर सैंटो स्कोर। वैसे उसके बाद भी जजमेंट डे के सारे मेंबर यहां पर अटैक करना छोड़ते नहीं, पर उनको सेव करने के लिए आते हैं यहां पर रे मिस्टीरियो यहां पर आकर यहां पर डोमिनिक विचुर को 619 लगाने की कोशिश करते, पर आई थिंक यहां पर लग नहीं पाता उनको। जजमेंट डे के बाकी मेंबर यहां पर आकर डोमिनिक विचुर को खींच लेते हैं, उसके बाद एलडब्ल्यूओ जो इनका फ्रैक्शन है वो स्टैंड ऑल करते हैं यहां पर रिंग के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद रिंग के अंदर हमें पॉल हेमन देखने को मिलता है, जो कि बोलते हैं कि भाई इसने हमारा डिसरिस्पेक्ट किया है, इसको सबक सिखाना होगा शो के मेन इवेंट के अंदर। सोलो सिकोआ यहां पर बोलते हैं कि जाकर रोमन रेंस को फोन करके बोल दीजिए पॉल हेमन कि मैं आज के शो के ऊपर ठिकाना लगाने वाला हूं यहां पर मैट रिडल का। भाई सच में जब सोलो सिकोआ बोलते हैं तो यहां पर लिटरली पॉल हेमन का भी फट जाता है, मतलब रोमन रेंस के बाद सबसे ज्यादा खौफ ब्लडलाइन के अंदर सोलो सिकोआ का। उसके बाद नेक्स्ट हमें सेलिब्रेशन वगैरह कुछ देखने को मिलता है, यहां पर लिव मॉर्गन रहती है और रकेल रहती है। आई थिंक आप लोग सारे लोग को पता ही होगा कि लास्ट वीक ये दोनों मंडे नाइट रॉ के ऊपर आई थिंक टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट जीते हैं। वैसे इन दोनों का सेलिब्रेशन को यहां पर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहां पर चेल्सी ग्रीन और सोनिया डेवल भी दोनों आते हैं, पर यहां पर वो दोनों मिलकर भगा देते हैं इन लोगों को। मैं एक्चुअली वुमेन्स डिवीजन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, आई थिंक आप लोग सारे लोगों को पता ही चल गया हो कि नेक्स्ट वीक इन दोनों के बीच में मैच आई थिंक होने वाला होगा। वैसे आज के स्मैकडाउन के ऊपर बहुत दिन से एक्चुअली एडवर्टाइज हो रहा था, आज के स्मैकडाउन के ऊपर हमें शिंसुके नाकामुरा का रिटर्न देखने को मिला। आज के स्मैकडाउन के ऊपर उनके जो ओपोनेंट निकलकर सामने आया था वो मैडकैप मॉस था, मैडकैप मॉस को बहुत सिंपल तरीके से इस मैच के अंदर हरा देते हैं शिंसुके नाकामुरा। बहुत कुछ खास नहीं था शिंसुके नाकामुरा के लिए, बस एक नॉर्मल साइन का मैच ही था और उसके अलावा कुछ भी नहीं। वैसे शो के मेन इवेंट के बारे में बात करें तो शो के मेन इवेंट के अंदर सोलो सिकोआ वर्सेस मैट रिडल का मैच था। भाई मुझे एक चीज यहाँ पर लगा, जब उसोस का जब टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट के लिए मैच था तो उसके अंदर पॉल हेमन एक्चुअली नहीं गए थे, अनाउंस वगैरह कुछ भी नहीं करने गए थे। पर भाई आज का स्मैकडाउन के ऊपर सोलो सिकोआ का मैच था, तो यहाँ पर स्पेशल अनाउंस करने के लिए यहाँ पर पॉल हेमन आते हैं, जहाँ पॉल हेमन इस बात को अनाउंस करते हैं कि आज के दो वीक बाद टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट के लिए रिमैच होने वाला उसोस का केविन ओवंस सैमी ज़ेन के साथ। उस मैच के अंदर रोमन रेंस भी शायद आते हुए दिख सकते हैं, फाइनली उस मैच के अंदर आपको टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट फिर से आते हुए वापस दिख सकता उसोस के पास, ऐसा पॉल हेमन ने बोला आज के स्मैकडाउन के ऊपर। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वैसे इसको पूरे डिटेल में मैं कवर भी करूंगा। वैसे नेक्स्ट अगर हम इन दोनों का मैच के बारे में बात करें तो मैच जैसे ही स्टार्ट हुआ यहाँ पर उसोस पहले एक दूसरे से भिड़ना शुरू कर देते हैं रिंग साइड के ऊपर। उसके बाद जो रेफरी है वो दोनों को फायर कर देता है रिंग साइड के ऊपर, सैमी ज़ेन केविन ओवंस को भी वहाँ पर उसोस को भी, सारे लोग रिंग साइड से बाहर चले जाते हैं। भाई ये दोनों मानने वाला कहा तो उसोस फिर से रिंग साइड के ऊपर आ जाते हैं, उनको काउंटर करने के लिए यहाँ पर सैमी ज़ेन और केविन ओवंस को भी आना पड़ता है। वैसे रिंग साइड के बाहर यहाँ पर उसोस सैमी ज़ेन और केविन ओवंस फाइट कर रहे थे, रिंग साइड के अंदर यहाँ पर समोन स्पाइक लगाकर इस मैच के अंदर बहुत आसानी से पिन कर हरा देते हैं मैट रिडल को सोलो सिकोआ। उसके बाद सोलो सिकोआ मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर मैट रिडल को रिंग साइड के बाहर ले आते हैं, उसके बाद बाहर ले आकर यहाँ पर अलाउंसर टेबल के ऊपर यहाँ पर सोलो सिकोआ पटक देते हैं मैट रिडल। और भाई सिर्फ इतना ही नहीं, एक्चुअली अलाउंसर टेबल को मैट रिडल के ऊपर ही रख देते हैं। वैसे बाद में यहाँ पर सैमी ज़ेन केविन ओवंस आते हैं, सारा अलाउंसर टेबल वगैरह सारा चीज को यहाँ पर हटाते हैं। वैसे ओवरऑल आज का स्मैकडाउन के बारे में बात करें तो भाई ये एक एवरेज सा होता है, जैसा स्मैकडाउन का हर बार का शो होता है। देखो ये बात तो मानना पड़ेगा, डब्ल्यू वाले कुछ नया नहीं कर रहे स्मैकडाउन शो के ऊपर, आई थिंक सारे लोग को रियलाइज हो गया। वैसे आप लोगों को कैसा लगा आज का स्मैकडाउन दोस्तों, भाई सारे लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, सारे लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही साथ आपका नेक्स्ट पेपर व्यू बैकलेस का अगर आपको डेट एंड टाइम जानना है तो भाई इसके बाद वो वीडियो सारे लोग जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल को। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हमारा तो वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप लोग।